हेलो दोस्तों, ये वीडियो वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क के बारे में होगा जो हम लोग गए थे। कैसा पार्क है, कैसा इसका फैसिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ये जगह इसका पार्किंग लॉट है। जो भी यहाँ आते हैं, यहाँ बाइक से या ऑटो से कार से यहाँ पार्किंग होता है। अगर आपको टिकट लेना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, जो कि 550 से 1000 तक आ जाएगा टिकट। वो भी संडे को या कुछ हॉलीडे होगा ना, तो उसका टिकट प्राइस ज़्यादा होता है। हमने यहाँ से 4 टिकट लिए और उसमें लॉन्च भी इंक्लूडेड था। लॉन्च के हिसाब से उसका अलग से थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है। अगर आपको स्पेशल चाहिए तो उसका टिकट 100 रुपये ज़्यादा होता है। यहाँ सभी पेमेंट मोड्स भी अवेलेबल है। आप चाहे तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको टिकट मिल गया, तब हम चलते हैं पार्क के अंदर। हमको ये टिकट्स मिले और हाथ हाथ में बांधने के लिए कुछ स्ट्रिप्स मिले, तो आगे हमको ये हाथ में लगा देंगे। उनके जो लोग होते हैं ना, वो हमारे हाथ में वो लगा देंगे। तो फाइनली यहाँ से एंट्री होगा। यहाँ उनके लोग हैं जो आपके टिकट्स वेरीफाई करेंगे, और जो स्ट्रिप बोला था ना, वो स्ट्रिप आपके हाथ में वो लगा देंगे। ये वाले जो ब्लू स्ट्रिप है, ये हाथ में वो लोग लगा देंगे। और आपका इसमें आपका साइन भी चाहिए होगा, आप साइन करिएगा। और लौटते टाइम आप चाहे तो आपका फीडबैक भी दे सकते हैं, अगर कोई आपके साथ गलत हुआ, क्या आपका अच्छा लगा या बुरा लगा, वो लौटते टाइम ये लोग फीडबैक लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो इसका ये इसका फर्स्ट व्यू है। यहाँ गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है और यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो मोबाइल में आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन असल में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अभी बस एक काम रह गया, हम लोग को कपड़ा चेंज करना होगा। वो कपड़े ये लोग देते हैं, उसका कोई पैसे नहीं लेते। आपका मोबाइल जो है उसके लिए भी कवर देते हैं, लेकिन उसका वो लोग अलग से चार्ज लेते हैं, 100 रुपया कुछ ऐसा कुछ लेते हैं वो लोग। वो मोबाइल आपको, आप चाहे तो मोबाइल को उसके अंदर रख के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप कपड़े चेंज कर लेना ज़रूर। यहाँ हमको टिकट मिला कपड़ों के लिए, हालांकि ये पैसे बाद में वो लौटा देते हैं। तो ये कपड़े हमको मिल गए, लेकिन वो लोग पहले इसका पैसा ले लेते हैं, 550 या 500 के हिसाब से कुछ। तो बाद में आप जो रिटर्न करेंगे ना, वो लोग आपको पैसा लौटा देंगे। तो उसके लिए वो अलग से टिकट भी देते हैं, वो टिकट आपको संभाल के रखना होता है, वरना ये लोग नहीं लौटाते। तो यहाँ पे लॉकर सिस्टम है। तो आपका जो भी ज़रूरी सामान है, पर्स वगैरह, पैंट शर्ट, जो भी जूता वगैरह, आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो आपको रिस्ट बैंड दी जाती है, उसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ होता है, तो इसमें से लॉकिंग सिस्टम रहता है जो आराम से खुल जाता है। तो फाइनली वी आर इनसाइड द पार्क। तो ये इसका पहला नज़ारा है। पिछड़ा लागे ससरा ही नहीं जाऊ। ହଁ ଏଇଠୁ ଖସରିକି ଯିବ ଯିବା ନା ହଁ ଆସେ ଆଗେ, ଏଗୁଡ଼ାର ସରୁ ନା ଯିବ ଡିସ୍କୋ ନା।
हम लोग स्विमिंग पूल से आके उसका मज़ा जो है ना वो अलग लेवल का है। अगर कोई यहाँ आके इस पूल में थोड़ा टाइम स्पेंड ना करे ना तो कोई मतलब नहीं। अभी हम जा रहे हैं जो भी स्लाइडिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे ये यहाँ बहुत ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ से स्लाइड करके आना पड़ता है। देखने तो ये बहुत ईजी लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप बैठोगे ना बहुत ही डर लगेगा, बहुत ही स्पीड से वो आता है, ऊपर जाना पड़ता है। दो लोग आ सकते हैं तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई आपके साथ है तो अगर उसको स्लाइडिंग में नहीं बैठना है वो रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन जो भी वहाँ पे स्लाइडर में बैठेगा वो अपने साथ मोबाइल नहीं ले सकता है। यहाँ से आपको 3 मंजिला 4 मंजिला सीढ़ी से जाना होगा ऊपर, वहाँ से फिर आपको स्लाइडिंग का वो जो होता है ना वो आपको मिलेगा वहाँ पे। आप स्लाइड करके जब नीचे आओगे ना, ये उसका क्लिप है, आप उसके अंदर से यहाँ आओगे, वहाँ यहाँ पानी होगा तो यहाँ आप रुक जाओगे।